हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ब्राउन स्मोकी लुक क्रिएट करेंगे और ये रिंग लाइट में मैंने पहली वीडियो रिकॉर्ड की है। थोड़ी सी मुश्किल हुई मगर अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने अच्छे से, मैंने अपना बेस सेट कर ली है और उसको अच्छे से मैंने फेस पाउडर भी सेट कर लिया। आप मेरी ग्लास स्किन फाउंडेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम MN की आईब्रो पेंसिल है इन शेड नंबर 2, इससे हम अपनी आईब्रो सेट कर लेंगे और ये मेरे बिल्कुल मैच करता है शेड और ये बिल्कुल नेचुरल लगता है। उसके बाद हम कॉम कर लेंगे अच्छे से अपनी आईब्रोज को एक नीट लुक देने के लिए। उसके बाद हम ये मेरा टॉप फेस का फेस पाउडर है, इससे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्रीज लाइन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राउंड ब्रश। हम अच्छे से ब्राउन कलर से मैं अपनी क्रीज लाइन को क्रिएट करूँगी और कॉर्नर्स पे इसको राउंड राउंड करेंगे ताकि अच्छे से कॉर्नर्स पे डार्क इफेक्ट आ जाए। उसके बाद मेरी ये मॉर्फी की पैलेट है, इससे मैंने एक गोल्डन शेड लिया है और उसे एक फ्लैट ब्रश की मदद से हम सेंटर ऑफ द लिड अप्लाई करेंगे दोनों आईज पे। उसके बाद मैंने हैंग फैंग के ग्लिटर्स लिए हैं, हम इसको सेंटर ऑफ द लिड अप्लाई करेंगे और इसको फिंगर्स की हेल्प से हम अच्छे से अपनी आईज पे स्प्रेड कर देंगे एक ग्लिटरी इफेक्ट देने के लिए। उसके बाद ये मैंने 36R का लाइनर लिया है जो कि ये ड्राई हो चुका है, तो मैंने दूसरा लाइनर भी दराज से ऑर्डर किया था, आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह लाइनर अप्लाई कर लिया हमने दोनों आईज पे। उसके बाद ये बॉब का मस्कारा है। लैशेस अप्लाई करने से पहले मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी है वरना वो आपकी लैशेस वाइट रह जाएंगी। उसके बाद ये मैंने मैरी ब्यूटी की, ये भी दराज से ऑर्डर की है, ये फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इस तरह ना लगाएं, आप लैशेस पे ही अप्लाई करें, इस तरह आपकी लैशेस पे लग जाएगी और रिमूव करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। ये इससे आराम से स्टिक हो गई और बिल्कुल रिमूव नहीं हुई लैशेस और ईज़िली इससे स्टिक हो गई और मैंने दोनों आईज पे अपनी लैशेस अप्लाई कर ली हैं। उसके बाद हमें एक ब्लैक आई शेडो लिया है, मैं अपने ब्लैक कॉर्नर्स को ब्लैक करती हूँ, कॉर्नर्स को स्मच करती हूँ अपने लाइनर को। ये एक मेरा सिग्नेचर लुक है और मुझे इससे आईज़ बहुत खूबसूरत लगती हैं और बड़ी लगती हैं। उसके बाद हमने एक कॉपर शेड लिया है और फ्लैट ब्रश की मदद से अपने कॉर्नर्स पे अप्लाई किया है। उसके बाद अगेन हम राउंड ब्रश लेंगे और अपनी क्रीज लाइन को अपने ब्लैक आई शेडो के साथ अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना अच्छा आपका आई शेडो लगता है। उसके बाद हम अंडर वाटर लाइन में आईज़ के नीचे एक मैंने लाइनर ही अप्लाई किया है, स्मज नहीं होता ना फैलता है। उसके बाद हम मैंने क्रिस्टीन की मेरी कॉन्टोर पैलेट है, उससे हम अपनी कॉन्टोरिंग करेंगे। ये एक आर्च ब्रश है, इससे बहुत अच्छी कॉन्टोरिंग होती है, इससे हम अपनी नोज़ को और चीक्स बोन को अच्छे से कॉन्टोर करेंगे। उसके बाद हम फेस पाउडर से अपनी लाइन को नीट करेंगे और इसको आप बाद में ब्रश से जो एक्सेस पाउडर है उसको रिमूव कर लें, अंडर आइज को भी अच्छे से नीट कर लेंगे। उसके बाद ये फोकुलर का ब्लश है, ये भी आप दराज से ऑर्डर कर सकते हैं ईजिली, इसको हम अच्छे से, ये बहुत अच्छा लिक्विड ब्लश है, इसमें एक शाइन है और ये ईजिली ब्लेंड हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है ये। उसके बाद ये मेरी ग्लैमरस की पेंसिल है, इसको हम अच्छे से अपनी आउटलाइन क्रिएट करेंगे लिप्स की, आउटलाइन से नीट लगती है लिपस्टिक। उसके बाद ये मेडोरा की लिपस्टिक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी नंबर और शेड, ये अच्छे से हम अप्लाई कर लेंगे। मेडोरा की लिपस्टिक्स हमेशा अच्छी लगती हैं आपके फेस पे। उसके बाद बेस्ट पार्ट हाइलाइटर, मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है जो कि मैं काफ़ी लगा लेती हूँ, फिर मेरी सिस्टर कहती है बहुत सारा लगा लिया, तो हम अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे। मैं इसे आईब्रोज़ के नीचे भी हाईलाइट करने के लिए अप्लाई करूँगी और अपने इनर कॉर्नर्स पे, आईज़ के इनर कॉर्नर्स पे भी इसको हाईलाइट करूँगी, उससे भी आईज़ आपकी बड़ी बड़ी लगती हैं। और ये है हमारा फाइनल लुक, ये वन शेड के साथ है, ये पर्पल शेड के साथ है। उसके बाद हम एक दूसरी लिपस्टिक ट्राई करेंगे, वो भी ग्लैमरस फेस की है पेंसिल, इसी मेकअप को आप पिंक शेड के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको पिंक पसंद है, मुझे पर्सनली दोनों पसंद है। तो ये आपकी पिंक शेड के साथ हो गई, ये है सेकंड लुक। और इसके बाद हम एक न्यूड शेड ट्राई करेंगे,
तो इसके बाद मैंने इसको हम अच्छे से पहले सेट कर लेंगे फेस पाउडर से। कोई भी आप लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले सेट कर सकते हैं। ये सोफ़ी एशले की पेंसिल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसको हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये मेरे पास ब्राउन शेड है, इसका कोई कंपनी नहीं है, ये लोकल शेड है। इसको हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और मेन है ये पिंक फ्लैश की न्यूड ग्लॉस, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर की थी। इसको हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। ये है ग्लॉसी लुक, न्यूड भी है और ग्लॉसी भी है। तो ये है थर्ड लुक। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।